एक तरफ माँ बेटे का पवित्र रिश्ता तो दूसरी तरफ फर्ज शिद्दत से निभाने का जज्बा, किसे चुनेंगे आप? जाहिर है कि एक ऐसा मामला है जहाँ कोई भी शख्स फंस जाए, सोच में पड़ जाए कि रिश्ता या फर्ज किसे चुने। जी हाँ, ऐसे धर्म संकट में क्या किया जाए, कैसे किया जाए, सोचना बड़ा मुश्किल है। लेकिन महाराष्ट्र के अहमदनगर से ऐसी खबर आई जिसकी चर्चा अब जिले भर में हो रही है। दरअसल अहमदनगर नगर निगम में काम करने वाले राशिद शेख नाम के कर्मचारी ने अपने ही माँ की सब्जी के ठेले का चालान काट कर उसे जब्त कर लिया। शेख ने रिश्ता छोड़ फर्ज को अपनाया और इस फर्ज अदायगी की चर्चा आज पूरे जिले में है। ये तस्वीर देख रहे हैं आप, ये बता रही है कि फर्ज पहले है और रिश्ते बाद में। ये बता रही है कि जब ड्यूटी पर हो तो कर्म प्रधान होता है। बता दें कि राशिद की माँ शहर में सब्जी का ठेला लगाती है और कोरोना नियमों के मुताबिक ये ठेला सुबह 9 से लेकर 11 के बीच में ही लगाया जाना चाहिए, जबकि राशिद की माँ दोपहर तकरीबन 12 बजे तक सब्जी बेच रही थी। फिर क्या था, नगर निगम की गाड़ी जब नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सड़क पर निकली, तब कर्मचारियों ने राशिद की माँ का सब्जी का ठेला भी देखा। यहाँ पर असमंजस की स्थिति बन गई। निगम कर्मचारी राशिद की माँ को समझा बुझा कर बिना चालान किए ही छोड़ने वाले थे, लेकिन राशिद ने कहा कि नियम सबके लिए बराबर है, अगर बाकी ठेले वालों पर कार्रवाई हो रही है तो उनकी माँ के ठेले पर भी होनी चाहिए। और खुद राशिद ने यह कार्रवाई करते हुए अपनी माँ का ठेला जब्त कर लिया और चालान भी काट कर थमा दिया। बता दें कि राशिद की माँ बेगम रफीक शेख ने अहमदनगर के पाथरडी तहसील में ठेला लगाया था। राशिद ने अपना फर्ज निभाया और एक मिसाल कायम की। इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। नमस्कार।